तो हेलो नमस्कार भाई लोग। तो मेरा नाम है सौरभ काले एंड मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया गाइस। ठीक है, तो आज की ये वाली वीडियो गाइस एक गेम प्ले वीडियो होने वाली है, क्योंकि गाइस काफ़ी दिन हो गए, मतलब कि मैंने कोई भी गेम प्ले वीडियो नहीं डाली। टिप्स एंड ट्रिक्स, पोके फन, लैग फिक्स, यही सब चल रहा था गाइस। ठीक है, तो काफ़ी दिनों बाद एक गेम प्ले वीडियो डालने का मैंने सोचा, एंड सोचा कि कुछ डिफरेंट गेम प्ले वीडियो डालूँ। इरेंगल के तो हर कोई डालता है भाई, सोचा वीकेंडी का डाल दूँ भाई। इस बार वीकेंडी खेलने का बहुत मन हो रहा था बहुत दिनों से, तो वीकेंडी खेल लूँ। तो यहाँ पे एक डुओ गेम प्ले गाइस है, तो एंजॉय करना गाइस। ठीक है, बहुत ही तगड़े वाले क्लच से और 16-17 मैंने किल किया हूँ इसमें, और डुओ वाइप किया, पूरे स्ट्रैटेजी लगा के किया हूँ। तुम लोग जरूर से जरूर देखो एंड वीडियो को एंजॉय करो। लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर दो गाइस। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नीचे कमेंट नहीं किया तो कमेंट जरूर से जरूर कर दो। तो मैं आ गया था गाइस विला पे। और हाँ गाइस, अगर आप लोगों को मेरे से बात करना हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मेरी इंस्टाग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। डोनेट करना हो तो गाइस फोन पे नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग उस टाइम सपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं विला पे उतरा था, एंड विला पे उतरते ही गाइस एक बंदा जो तो मुझे दिख गया था, एंड इसे हम लोग पहले क्लियर कर देते हैं। तो गाइस इसे मार देने के बाद एक तो बॉट यहाँ पे मैंने किल किया, एंड इसके बाद मैं थोड़ा सा सामने की तरफ गया, वहाँ पे फायरिंग चल रही थी। तो विला से बाहर निकला हूँ मैं, तो यहाँ पे थोड़ा सामने की तरफ मैं जाऊँगा, तुम लोग देखना वहाँ पे। सो अब यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, क्योंकि उधर की तरफ मेरे को फायरिंग शॉट्स आ रहे थे, मेरे को आवाज़ें आ रही थी बंदूक के चलने की, भाई वहाँ पे भसड़ मच रही थी। तो चलते हैं। सो वहाँ पे मुझे बंदा दिख जाता है, पर यहाँ पे स्कैम होगा मेरे साथ देखना। होलोग्राफिक पे जो मैंने कलर लगाया था वो वाइट कलर का लगाया था, देखना तुम लोग यहाँ पे। ये देखो व्हाइट कलर के, इससे मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा था, और पत्थर के काले कलर से मेरे को बंदा दिखा ही नहीं भाई क्लियरली। और दूसरा बंदा उसका आसानी से दिख जाता है, एंड उसे हम लोग मार देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो पहला वाला बंदा था उसका किल चुराया है गाइज हमारा कार 98 के किल्स ने, वो देखना भाई। उसका नाम पढ़ लो यहाँ पे, तो इसे भी हम लोगों को मारना पड़ेगा, पर इसे मारेंगे हम लोग स्ट्रैटेजी लगा के, दिमाग लगा के, मतलब अभी तो यहाँ पे नहीं मारेंगे, बाद में मारेंगे भाई इसे, एंड में मारेंगे, पर मारेंगे ज़रूर। ठीक है, यहाँ पे आ गई थी गाइज ड्रॉप, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप लूट लेता और ग्रोजा ले लेता हूँ। ग्रोजा को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना गाइज, ग्रोजा बहुत ही तगड़ी गन, तो ग्रोजा ले लिया करो। ठीक है, मिल जाती है तो यहाँ पे मैंने ग्रोजा ले ली, एंड इसके बाद यहाँ पे सामने की तरफ आ गई गाइज फ्लेयर ड्रॉप, तो हम लोग जाएंगे फ्लेयर ड्रॉप की तरफ। तो देखना इन्हें कितनी सस्ते में निपटा देता हूँ भाई लोग, तुम लोग देखो इन्हें कैसे जाते हैं हम लोग। तो बराबर भाई लोग मतलब दबे पाव जाऊंगा मैं। ठीक है, ये देखो बिल्कुल देखूंगा भाई, दोनों बंदों को देख लिया हूँ। एक बंदा जैसे थोड़ा सा ओपन में आया, मैंने उसे पूरी तरीके से नॉक कर दिया, मतलब इसे फिनिश करने वाला था, पर वो कवर में चला जाता है। बट यहाँ पे उसका दूसरा बंदा भी आ जाता है भागते भागते, पर उसे आसानी से M4 के स्प्रे में ले लेता होगा इस। ठीक है, यहाँ पे इनकी फ्लेयर ड्रॉप लूटने का सपना चकनाचूर कर दिया मैंने, और इनको लॉबी में भेज दिया। तो पहली बात तो यार, मैं कोई प्रोफेशनल प्लेयर नहीं, मैं बस एंटरटेन के लिए गेम प्ले बनाता हूँ। ठीक है, तो पहले बता दे रहा हूँ भाई, मेरा प्रोफेशनल गेमिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, मैं बस एंटरटेन करने के लिए गेम प्ले बनाता हूँ। तो यहाँ पे एक बंदा जो है तो दिख गया था सामने की तरफ, मुझे पता नहीं था ये दो बंदे थे, मुझे लगा एक ही बंदा, जैसे ही ये नॉक हुआ उसके बाद दूसरा बंदा वहाँ से दिखा मेरे को। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से गलती हो रही थी, पर मैंने संभाल लिया यहाँ पे, जैसे तैसे यहाँ पे मार दिया भाई। तो यहाँ पे गलती होते होते रह गई मेरे से, पर बच गए भाई, यहाँ पे किस्मत अच्छी थी हमारी। तो यहाँ पे इसके बाद मैं जाता हूँ गाइस इधर गाड़ी लेके, बंदे यहाँ पे कैंप कर रहे थे, क्योंकि यहाँ से पहले गन की आवाज़ आई मेरे को, फायरिंग की आवाज़ आई, और फिर मैं यहाँ पे आ गया। एंड यहाँ पे देख ले बंदे भाई, बढ़िया टीपी भी लेके रहेंगे, देखना तुम लोग मस्त। तो भाई वो रहा बंदा, एंड उसे पील दिया भाई, ग्रोजा थी, मतलब इतना तो रिक्स ले ही सकते भाई। ये रहा उसका दूसरा बंदा भी वहाँ पे कैंप कर रहा था, पता नहीं भाई ये दोनों क्या कर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि इनके पास लूट देखो बहुत तगड़ी लूट थी यहाँ पे। ये देखो ऑगे 3 फ्लेयर गन भाई, सब कुछ था इनके पास, पर यहाँ पे फिर भी ये लोग कैंप कर रहे थे, पता नहीं क्या था इनका सीन। तो इनको आसानी से मार देने के बाद मैं जाता हूँ गाइस सामने की तरफ, यहाँ पे टॉवर में आ जाता हूँ गाइस, इनकी जोन बनी थी यहाँ पे, एंड एक बंदा जो है मुझे वहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, सीढ़ियों से जाता हुआ, एंड तो अब इसे मारने के लिए कुछ तिकड़म करना पड़ेगा। पर इसका जो दूसरा टीममेट था वो इधर की तरफ पीछे की तरफ था, मतलब दोनों स्प्रेड हो चुके थे, तो भाई इन्हें मारना मेरे लिए आसान था। ये देखो भाई, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था गोलियां कहाँ से बढ़ रही थी। तो इसे आसानी से मैं नॉक कर देता हूँ, एंड इसे नॉक कर देने के बाद अब इसे हम लोग कर देंगे फिनिश। तो इसे फिनिश कर देने के बाद जब इसका दूसरा बंदा बचा है, तो इसके दूसरे बंदे को फिनिश करने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि वो वहाँ पे कैंप कर रहा था।
भाई आ गया मैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे इस वाले घर में वो कैंप कर रहा था क्योंकि इधर से उसने गन शॉट्स चलाए थे। तो चलो देखते हैं, अब इसे भी पेल देंगे हम लोग आसानी से। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत देख रहा हूँ मैं कहाँ से जाना पड़ता कहाँ से नहीं, तो यहाँ से जाना पड़ता है। तो यहाँ पे गए सामने की तरफ के रूम में मेरे को उसके फुटस्टेप आ रहे थे, देखते हैं यहाँ पे उसे कैसे मारेंगे। तो भाई पहले मैं उधर की तरफ नेट करता हूँ तो मुझे लगता है बंदा उधर की तरफ है, पर देर वहाँ पे नेट खाली जाता है मेरा, कुछ काम नहीं आता। तो मुझे 100% कन्फर्म हो चुका था कि भाई ये बंदा इधर की तरफ है। तो हम लोग यहाँ पे मार देते इसे। तो भाई यही है भाई, ये बंदा बढ़िया तगड़े अच्छे से कैंप कर रहा था भाई इधर की तरफ देखो। तो हम लोग ने इसे मार दिया गाइस। तो अब यहाँ पे मैं स्टेयर्स की तरफ कैंप कर रहा था क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था भाई कोई भी बंदा आएगा तो यहाँ से ही आएगा, और मैं भी यहीं से आया था इस पे रश करने के लिए, तो यहाँ पे कैंप कर लेता हूँ। तो बंदा तो गाइस पीछे से भागने की तैयारी में था, तो हम लोग यहाँ से इसे निपटा देते हैं, ठीक है। तो इसे निपटा देने के बाद भाई लोग इसका जो दूसरा बंदा बचा हुआ है हम लोगों को उसे भी निपटाना है। तो उसे निपटाने के लिए सिंपली हम लोग वहाँ से नीचे कूद जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से नीचे कूद जाने के बाद यहाँ पे इसका जो दूसरा बंदा है वो वहाँ पे मतलब राइट साइड में एक तरफ कैंप कर रहा था, वो देखो भाई। तो और जैसे मैं फिर से झांकने मारने के लिए झांकता हूँ तो भाई छुप जाता है एंड उसे पीछे से फायरिंग पड़ने लगती है, और वो जैसे मेरे को मारने आता है हम लोग उसे आसानी से पेल देते हैं। मतलब वो चेप हो गया, ठीक है, उधर से भी उसे मार रहे थे कोई और इधर से मैंने उसे चमका दिया, तो भाई के साथ चेप हो गया। और यहाँ पे गाइस अब बचे हैं गाइस 1v2 सिचुएशन, लास्ट के दो बंदे बचे हैं, ठीक है, और हम एक बचे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे को समझ में नहीं आता कि कौन कहाँ पे, कुछ पता नहीं था क्या करना है क्या करना नहीं, कुछ पता नहीं था। इसलिए गाइस यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर बन गया था, और क्योंकि मैं प्रोफेशनल गेमर नहीं हूँ, मुझे नहीं मतलब मैं उतना ज़्यादा नहीं खेलता, इसलिए मेरे को पता नहीं है, थोड़ा सा पैनिक हो जाता है अपन। तो यहाँ पे आसानी से मैंने स्मोक कर दिया एंड आ गया। तो यहाँ पे देखो भाई बंदे ने बराबर मेरे को स्पॉट कर लिया, अगर मैं स्मोक नहीं किया रहता तो यहीं पे मैं यही पे मेरा गेम तमाम हो जाता और गेम प्ले नहीं बन पाता भाई लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आके बढ़िया मस्त वो स्मोक में फायर देता है, पर कोई फ़ायदा नहीं, हम लोग को घर में आ चुके हैं। और यहाँ पे मस्त इंजेक्शन लगा लेता हूँ भाई, और इंजेक्शन लगा लेने के बाद यहाँ पे मैं जो इरा एंगल में हम लोग कोचिंग की में करते हैं ना भाई लोग, मतलब कि इसके इस दरवाजे के ऊपर चढ़ेंगे ना, वहाँ से छत पे चढ़ जाएंगे ना, वहाँ से मस्त बंदों को टीपी पी लेके मार देंगे। तो यहाँ पे मैं ये ट्राई कर रहा था, पर यहाँ पे हो नहीं रहा था वो चीज़, ठीक है। तो इसके नीचे मैं चला जाता हूँ और यहाँ पे टीपी पी लेता हूँ। तो ये जो स्मोक किया है ना बंदों ने, ये स्मोक जैसे ही खत्म होता है ना भाई इनका पूरा गेम उड़ा देता हूँ मैं। ये देखो भाई ये स्मोक के कारण ये दोनों के दोनों बंदे बचे हुए थे इधर की तरफ। तो भाई ये स्मोक बहुत ही बेकार चीज़ है भाई। तो तुम लोग देखो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पे क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि मेरा गेम प्ले रिकॉर्डेड है उस पर मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है आगे क्या हो रहा है, इसलिए मैं बता देता हूँ कि स्मोक के बाद हम लोग मारेंगे। तो यहाँ पे स्मोक खत्म होने का मैं इंतजार कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे स्मोक खत्म होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नेट खींचता हूँ, तभी मेरे को फुटस्टेप आते हैं बंदे के एंड मैं यहाँ पे उसको देखो भाई पेल देता हूँ, ठीक है। तो वो जब तक मेरे को कवर फायर देता तब तक तो भाई हम लोगों ने उसे आधा डैमेज कर दिया था, बस थोड़ा सा बच गया था। तो मैं यहाँ पे एक प्रीनेट कर देता हूँ कि क्या पता भाई दूसरा बंदा उसको रिवाइव देने यहाँ पे और वो भी फट जाए, पर वो नहीं फटता, वो उधर पीछे की तरफ रहता है ना कि बंदों को रिवाइव देता है। और जैसे मेरे को वो वहाँ पे दिख जाता है वैसे उसे मार देता है। तो गुरुजा का एक हेडशॉट पड़ा था, मतलब भाई इसका गेम तमाम। तो भाई लोग यही था आज की इस वाली वीडियो में, तो बहुत ही इजी चिकन डिनर हम लोगों को मिल गया है गाइस, ठीक है, ये वाली गेम प्ले में। तो आई होप कि गाइस आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो गाइस, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक की बात करनी होती है इंस्टा पे, और कमेंट सेक्शन को चैट बॉक्स मत बनाओ, इनबॉक्स मत बनाओ गाइस, ठीक है। और गाइस डोनेट करना हो तो मैंने फ़ोनपे नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया, तो जाओ और वहाँ पर डोनेट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही भाई लोग, तो मिलता है मेरे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।